गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू माई चैनल नेक्स्ट स्टेप गुरुकुल होप आप लोगों की स्टडी अच्छी चल रही होगी हम जैसे कि आपको पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं क्लास 9 की सोशल साइंस पढ़ रहे हैं जिसका पहला चैप्टर का हमने पहला पार्ट कर चुके हैं अगर आप लोगों ने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पहले पहला पार्ट देखिए फिर आप इस सेकेंड पार्ट पर आइए तो हम पहले पार्ट में हम स्टार्ट कर चुके हैं डेमोक्रेसी के बारे में हम पढ़ रहे थे डेमोक्रेसी के लिए हम पहले दो से हमें दो क्वेश्चन के आंसर देने इस चैप्टर में समझना है दो क्वेश्चन के आंसर पता लग जाएंगे हमें कि पहले डेमोक्रेसी होती क्या है फिर जब होती क्या है तो हमें साथ में ये पता लगेगा कि भाई चाहिए क्यों कि उससे डेमोक्रेसी अच्छी है चलो मान लिया पर डेमोक्रेसी के अलावा भी तो कुछ और किया जा सकता है क्या क्या खासियत है क्या मजा आएगा डेमोक्रेसी में तो व्हाट इज डेमोक्रेसी का आंसर पहले हम पता कर रहे हैं कि भाई डेमोक्रेसी होती क्या है तो हम जैसे बचपन से हमने सुना है कि भाई टू द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल जो सिंपल सी डेफिनेशन है इससे स्टार्ट करते हैं देखो एक सिंपल डेफिनेशन तो सही है टू द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल पर यही नेसेसरी कंडीशन नहीं है इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स हैं जो साथ साथ अब आज के ज़माने में ऐड हुए हैं बहुत सारी चीज़ें ऐड होती गई है समय के साथ ठीक है ना जो पहले हमारे चीज़ें लागू नहीं थी आज वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं हम तो अभी तक हमने इसका पहला फीचर पढ़ लिया था जो क्या था हमारा कि जिसके हमने क्या दो एग्जाम्पल ये दो एग्जाम्पल से पढ़ा था एक तो हमारा था पाकिस्तान वाला एग्जाम्पल कि पाकिस्तान में नाइनटीन में क्या हुआ था मिलिट्री कूप हुआ था मिलिट्री कूप का मतलब होता है तख्ता प्लट कर दिया गया सरकार को मिलिट्री ने डिस्पैंड करके अपने आप हो गए परवेज मुशर्रफ जी ने ये किया उसके बाद उन्होंने क्या करा अपने अपने आप को राष्ट्रपति बना दिया उसके बाद उन्होंने इलेक्शन कराई भी तो इलेक्शन करा के क्या सरकार को मिलिट्री को इतना पावरफुल बना दिया कि सरकार तो कुछ डिसीजन ले ही नहीं पा रही थी ढंग से लिमिटेड पावर गिवन टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो चुनी हुई सरकार थी उसे बहुत लिमिटेड पावर दी गई ठीक है ना लिमिटेड मतलब तो कि बिल्कुल वो कुछ डिसीजन ले हर डिसीजन के लिए उन्हें, उन्हें उनसे पूछने पड़ रहा ठीक है ना तो ऐसे इसको हम क्या डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते डेमोक्रेसी में जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनको सबसे ज़्यादा पावर दी रहती है ठीक है ना वो हमारा भविष्य निर्माता निर्माण करते हैं एब्सोल्यूट पावर नहीं रहती है पर उनको लिमिटेड पावर दी रहती है जिसको फंक्शन करे फॉर द सरकार चल सके जिसमें ठीक है ना हर चीज के लिए उनको कुछ जब पूछना ना पड़े ठीक है कानून बनाने के देखो जैसे कि हमारे देश में तीन तरह की बॉडीज है हमारे पास लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिसरी ठीक है ना लेजिस्लेटिव कौन होते हैं जो हमारी संसद होगी और राज्य में विधानसभा होती है एग्जीक्यूटिव क्या होती है मंत्रिमंडल होता है केंद्र में भी होता है हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और राज्य में भी होता है मंत्रिमंडल जिसे बोलते हैं और जुडिशरी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है ठीक है ना जुडिशरी का कोई लेना देना नहीं है एग्जीक्यूटिव इज फ्री टू मेक अ लॉ जो जो उनके पावर पावर है उसमें वो एग्जीक्यूटिव फ्री है आप लोग कोई से भी कानून बनाइए विद इन योर जुडिडिक्शन आपके दायरे के अंदर आना चाहिए अब यूनियन लिस्ट में जो कानून आता है अब यूनियन लिस्ट में ऐसे नहीं कि आपने यूनियन लिस्ट वाले स्टेट लिस्ट में कानून बना देगा नहीं होता ठीक है जो आपकी दायरा है संविधान ने सब कुछ लिखा हुआ सबके बारे में हमारा संविधान इसलिए इतना बड़ा है कि उसने राज्यों के बारे में केंद्र के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है ठीक है आप उसके अंदर कानून बना सकते हैं ठीक है ना तो इससे हमें एक सबसे बड़ी बात पता क्या लगी इन आर डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट बी रेस्ट विद दो इलेक्टेड बाय द पीपल आखिर जो डिसीजन लेने की पावर किसके पास रहे जो इलेक्टेड बाय द पीपल है लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के पास रहे आपने सुना हो कई बार आप सुना कि आपको पता है कि भाई आई अधिकारी के पास इतनी पावर रहती है इनके पास रहती है आई अधिकारियों के पास रहती है बड़े बड़े सेक्रेटरी वगैरह सबके पास रहती है पर असली पॉलिसी डिसीजन लेक टेकिंग कैपेबिलिटी रहती है पॉलिटिशियन के पास वो लास्ट में फाइनल डिसीजन वो लेते हैं द आई ई एस द आई पी एस दर ऑनली इंप्लीमेंटर वो एग्जीक्यूट करते हैं डिसीजन को सारा जो देश को किस तरीके से बच्चे खाएंगे क्या आप कैसे हॉस्पिटल होंगे कैसे स्कूल होंगे बच्चे क्या पढ़ेंगे क्या कहां जाएंगे कहां घूमेंगे सब कुछ हमारा पॉलिटिक्स डिसाइड करती है सब भी सारी चीज़ पॉलिटिशियन डिसाइड करते हैं हमारी हम क्या पहनेंगे कहां कहां किस तरीके से कपड़े वो हमारा खा खाना पीना कि, किस तरीके से भोजन का, वो करेंगे आंगनबाड़ी में क्या मिलेगा स्कूल में क्या मिलेगा हॉस्पिटल हो, कैसे होंगे हमारे स्कूल शिक्षा रोजगार किस तरीके से होगा ये सब हमारे पॉलिटिशियन डिसाइड करते हैं दे आर द मोस्ट पावरफुल इन द डेमोक्रेसी द पोलिटिशन इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन मोस्ट सबसे पावरफुल है उनको क्योंकि जनता की आवाज माना जाता है दे आर दीपल पावर पीपल वॉइस वो बोलते हैं वी आर द पीपल रिप्रेजेंटेटिव ठीक है ना और वो क्या अकाउंटेबल भी होते हैं बाई प्रोसेस क्या अकाउंटेबल इलेक्शन हमारा रेगुलर करवाते हैं ठीक है ना अकाउंटेबिलिटी भी है अब आता है दूसरा फीचर आता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन इसके हमने दो एग्जाम्पल देखे थे एक चाइना का देखा चाइना क्या करता है चाइना अपने आप सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को ही चुनाव लड़ने देता है और हमेशा वही जीतता है भाई जीतना है जब एक भाई दो रेस में अगर एक ही आदमी लड़ दौड़ रहा है तो एक ही आदमी फर्स्ट आएगा ठीक है दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम हमारा मैक्सिको का मैक्सिको ये नहीं करता मैक्सिको सबको लड़ने देता है ठीक है सबको रेस में पार्टिसिपेट करने देगा ठीक है ना सब पार्टी पार्टिसिपेट करते पर इतनी धांधेबाजी करेगा कि आदमी जीत ही नहीं सकता अपने लिए सब कुछ कुछ ना कुछ अपने एम्पायरिंग भी गलत करवाएगा इलेक्शन कमीशन को अपने को वो करेगा अपने जो गवर्नमेंट ऑफिसर है उनको बोलेगा कि टीचरों को बोलो कि मुझे वोट करो पेरेंट्स को बोलो मुझे वोट करो मीडिया को अपने कब्जे में ले लेगा सब कुछ बिल्कुल धांधेबाजी से हो रहा है ना तो ये क्या था उसमें तो जीतना ही है आपने ठीक है ना मैक्सिको वाला भी ऐसे ही जीत जाता है तो ये फेयर इलेक्शन नहीं है तो इसको डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना जरूरी है कि भाई जो जीत रहा है वो उसके हारने के चांसेस भी हो ठीक है ना डेमोक्रेसी की बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट और हमारे देश में ये चीज है कि नहीं है मैं आपको एक एग्जाम्पल से बता देता हूं देखिए एग्जाम्पल में बता रहा था कि देखिए अपने इंडिया का ही एग्जाम्पल लेंगे हम ठीक है ना क्योंकि हमने दूसरा एग्जाम्पल बाहर का एग्जाम्पल आपको लोगों को भी थोड़ा अटपटे लगे मैं अपने भारत का भारत देश का एग्जाम्पल लेता हूँ ज्यादा दूर के नहीं देखो पास के लेंगे हम देखिए जनरल इलेक्शन लोकसभा के इलेक्शन हुए थे मई 2019 में ठीक है ना जिसमें बीजेपी बहुत अच्छी तरीके से जीती ठीक है ना उनकी सरकार बन गई अब उसमें एक मैं एक स्टेट की एक जगह की एक यूटी की बात करता हूँ जो है दिल्ली दिल्ली में सेवन सेवन लोकसभा की सीट्स हैं और सात में से सात बीजेपी जीती वही थ्राइविंग मेजॉरिटी से बहुत ही जबरदस्त मेजोरिटी से जीती ठीक है ना और जो और जो आप एक पार्टी है बीजेपी वहाँ की दिल्ली की वो आई तीसरे नंबर पर पहले नंबर पे बीजेपी हर जगह जीती दूसरे नंबर पे वो और तीसरे नंबर पे यहाँ नंबरिंग नम्म, में ठीक है सात में सात ये जीती अब आ जाओ तुरंत फरवरी फर, फैब 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 ट्वेंटी ट्वेंटी अभी की बात है इस साल की सत्तर में से आप कितनी सीटें लाई सिक्सटी सेवन इसका मतलब हमारे देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है भाई एकदम फ्री एंड फेयर थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन होती है कि भाई दारू पे वगैरह थोड़ा मसल पावर मनी पावर पैसे का इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा धन खर्च करते हैं वो होता है पर बहुत फ्री एंड फेयर होते हैं देखिए सत्तर में से सिक्सटी सेवन जीत के लेके आ गई हमारी आम आदमी पार्टी जो पार्टी तीसरे नंबर पर रह, रह रही थी वहाँ दिल्ली में वो सत्तर में से सिक्सटी सेवन ले आई जीत के बताइए तो हमारे देश में क्या पूरा मौका मिलता है किसी को जीतने हारने का ये जो कभी आपने सुना कि वोटिंग मशीन टेम्पर्ड होती है फैसिंग होती है ये सब फेक है अगर होती तो आप ये रिजल्ट कैसे नहीं आता चेंज ठीक है ना ये सब पॉलिटी देखो बहुत भ्रम खेलते हैं पर हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी वी एज वोटर शुड हैव कैपेबिलिटी टू चेक कि ये बात सच है यह झूठे हमारे पास लॉजिक रीजनिंग होनी जरूरी है ठीक है ना तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिखे हमारे देश में क्या फेयर इलेक्शन होते हैं फेयर मोस्टली फेयर है ठीक है ना काफी हद तक फेयर ही है अब आता है एक कि अ डेमोक्रेसी मस्ट ये हम समझ के दूसरा रूल है अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड अपॉन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर हैव द फेयर चांसेस ऑफ लूजिंग हमारा देखा करंटली पावर बीजेपी थी वो लूज कर भी कर गई पूरी जोर लगाया फिर भी बीजेपी दिल्ली का दिल्ली का स्टेट इलेक्शन हार गई ठीक है ना और बुरी कदर हारी जब हारना बोलते बुरी कदर ठीक है ना सिक्सटी सेवन नहीं सिक्सटी थ्री सीट्स सेवन सीटें जीती ना सिक्सटी थ्री जहां तो बुरी कदर हारी है

एक और तीसरा फीचर्स आ गया हमारा वन पर्सन वन वोट ये मैंने डिस्कस किया वन पर्सन वन वोट ये क्या होता है देखिए ये ये होता है कि मैंने आपको एक बार इसमें बताया था कि एक आदमी का एक वोट हमारे देश में मेरा वोट प्रधानमंत्री जी का वोट राष्ट्रपति जी का वोट सबके वोट की एक ही वैल्यू है एक ही पावर है मेरे वोट से भी कोई जीत हार सकता है प्रधानमंत्री जी के एक वोट से भी कोई जीत हार सकता है ठीक ना राष्ट्रपति जी के कोई पैसा वाला अंबानी हो टाटा हो कोई भी सबका एक वोट है ऑल आर इक्वल कि एक वैल्यू सबकी एक है ऐसे नहीं कि मोदी जी का एक वोट पांच हजार हो गया मेरा वोट एक वोट दो हो रहा है या एक हो रहा है ऐसा नहीं होता सबका वोट एक है ठीक है अमीर से अमीर गरीब से गरीब राष्ट्रपति पद हो कोई सा पद हो आपके पास कोई सी भी आपके पास इस समय पोस्ट हो आपका वोट बराबर है ठीक है ना आप एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया वोट कर रहे हो ठीक है ना और सबको वोट करने का अधिकार है हमारे यहाँ हम तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी वाले हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंच तो मतलब यूनिवर्सल सब मतलब सबको एडल्ट मतलब आर एडल्ट हमारे देश में इसका फीचर है एटीन 18, 18 प्लस और फ्रेंचाइजी मतलब मत, कर, मत मत करने का अधिकार वोट करने का अधिकार ठीक है ना इसके देखिए जैसे कि आप ज्यादा दूर मत जाइए अंटिल टू थाउजेंड फोर्टीन फिफ्टीन इन सऊदी अरेबिया वुमेन डिन नॉट वोट महिलाओं का अधिकार ही नहीं था सऊदी में वोट करने का गाड़ी चलाने का अधिकार नहीं था वो भी अब मिला है ठीक है ना एस्टोनिया क्या करता है है देखो एस्टोनिया एक देश है, वहां रशियन ओरिजिन के के लोग भी रहते हैं कुछ तो इन्होंने सिटीजनशिप रूल ऐसे बना रखे कि रशियन वाले तो सिटीजनशिप ले ही नहीं सकते वो रह रहे हो बिना सिटीजनशिप के रह रहे हैं ठीक है ना इन फिजी अब देखो फिजी एक देश है जहां भारतीय बहुत लोग रहते हैं भारतीय मूल के लोग बहुत रहते हैं ठीक है ना इंडियन ओरिजिन के लोग रहते हैं द इलेक्ट्रोल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी हैज मोर वैल्यू देन द इंडियन फिजी कि इंडिजीस फिजी वहीं का रहने वाला उसका वोट की ज्यादा वैल्यू कर रही कि इंडियन फिजी के मुकाबले ठीक है ना देखो ये वन पर्सन वन वोट की वैल्यू नहीं हो रही है तो डेमोक्रेसी इज बेस्ड अपॉन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी भाई राजनीतिक समानता बहुत जरूरी है ठीक है ना अगर पॉलिटिकल इक्वालिटी नहीं हो तो डेमोक्रेसी कैसे हो फिर तो आप फिर अन्याय हो रहा है उसमें ठीक है ना डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कम गिनती में अगर मैं कम भी हूं फिर भी मेरे पास वही राइट होने चाहिए जो मेजोरिटी के पास है बल्कि डेमोक्रेसी में माइनॉरिटीज को तो सेव करने के लिए और अलग से फीचर्स रखे होते हैं माइनॉरिटी प्रोटेक्शन बहुत बड़ी जरूरी है डेमोक्रेसी में ठीक है ना कि भाई जो जो ज्यादा गिनती में उन्हीं का रूल ना चले उन्हीं की ना चले जो माइनॉरिटीज है जो गिनती में कम है उनका भी उनकी भी प्रोटेक्शन की जाए ये बहुत बड़ी चीज है डेमोक्रेसी की ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी में ठीक है ना अब आगे हमारा थर्ड प्रिंसिपल फीचर क्या इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैज वन वैल्यू कि हर एडल्ट सिटीजन का एक वोट हो और हर एक वोट की एक वैल्यू हो ठीक है ना बताए समझिए ना वैल्यू का मतलब ओके अब ये देखिए ये, का, ये कार्टून दिखा रहे हैं ये किसके ये कार्टून देखिए दिस कार्टून इज अबाउट द इराकी इलेक्शन हैल्ड आफ्टर सद्दाम हुसैन रिजिम सद्दाम हुसैन जो तो हमारे ताना से हैं उनके हटने के बाद जो रिजिम आया उसके बाद जो इलेक्शन हुए उसके कार्टून हैं ही इज सोन ही इज सोन बिहाइंड द बार्स ठीक है ना उसको यहाँ बंद कर रखा है दिखा रखा है कि उस जेल कर दिए वट इज़ द कार्टून इज मैसेज ऑफ द कार्टून विच द फर्स्ट कार्टून इन दिस चैप्टर यह क्या कर रहा है एट लास्ट वन मैन वन वोट का मतलब वहां वन मैन वन वोट नहीं था पहले तो ये जब इसको जेल होगी उसके बाद इसको वन मैन वन वोट वाला सिस्टम लागू कर दिया गया ठीक है ना अब आता है रूल्स ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट की लॉ के रूल्स ठीक है ना रूल्स ऑफ लॉ कानून का जो हमारे नियम होने चाहिए और रेस्पेक्ट फॉर लाइट रो के जो अधिकार के प्रति क्या होना चाहिए सम्मान होना चाहिए सरकार का ठीक है ना इसमें हम जरा क्विकली से पढ़ते हैं कि अटेंड इंडिपेंडेंस अंग्रेजों से अटेंडेंस इंडिपेंडेंस कब मिली उन्हें उन्नीस सौ अस्सी में नाइनटीन एटी में मिल गई और एक पार्टी है जे एन यू जेड ए एन यू पी एफ ये जीती रही है इसने फ्रीडम स्ट्रगल में जैसे कांग्रेस की तरह है रही है ठीक है फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया उसके बाद जीती जीती रही जीती रही जीती रही कभी हारी नहीं ठीक है ना ओवर द ईयर्स हिज गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवन टाइम्स टू इंक्रीज द पावर ऑफ द प्रेजिडेंट एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल इन्होंने समय के साथ क्या करा अपना वो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करते रहे करते रहे, करते रहे, और राष्ट्रपति को इतना मजबूत ये, ये रॉबर्ट मोगे वहां के राष्ट्रपति बने थे एक बार और वो ही रहते रहे उस संविधान को इतना परिवर्तन किया और अपने को अकाउंट लेस अकाउंटेबल बना दिया कि कोई जवाब दे रहे ना मैं मैं बताऊं कि कितना पैसा आया कहाँ खर्च किया कैसा खर्च किया ना करप्शन के प्रति कोई वो, वो सिस्टम नहीं करा उन्होंने कि कहीं से चेक एंड बैलेंस कर सके कि पूछताछ हो सके भाई कहाँ कर रहे हो तुम ठीक है ना सरकार को भी चेक एंड बैलेंस जरूरी है नहीं तो सरकार तो करप्ट हो जाएगी ठीक है ना तो अपोजिशन पार्टी वर्क अब देखो ये कर पहला ये कर दूसरा क्या करते थे अपोजिशन के पार्टी वर्क को हेरास करते थे उनको मीटिंग करने नहीं देते थे उनको कोई रैली करने नहीं देते थे जान बुझके कि बनाई ये ताकि हम, हमारी इमेज खराब ना हो ठीक है ना ठीक है और ये टी में कोई उनकी क्रिटिसाइज नहीं करत, कर सकता था ठीक है ना उनको टीवी को उन्हें कंट्रोल कर लिया था सरकारी चैनल बनवा दिए ठीक है ना टेलीविजन एंड रेडियो कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट एंड गिव ओनली द रूलिंग पार्टी वर्जन जो रूलिंग पार्टी का वर्जन है वो ही दिखाने लग गए हो ठीक है ना सिर्फ रूलिंग पार्टी का वर्जन और उसके बाद क्या है गवर्नमेंट हा, दो जर्नलिस्ट गवर्नमेंटेंट और जो करते थे, क्या करती थी उनको हैरेस करती थी उनका शोषण करती थी ठीक है ना उनको परेशान करती थी पुलिस के द्वारा किसी के द्वारा द गवर्नमेंट इग्नोर सम कोर्ट जजमेंट एंड दैट वेंट अगेंस्ट इट एंड प्रेसराइज जज ठीक है ना सरकार के खिलाफ जो जजमेंट गए सरकार क्या करा कोर्ट को प्रेश, उसको प्रेसराइज करा जज को और जज को क्या करा अपने ऑफिस से रिजाइन भी करना पड़ा कई जगह जो ना यू आर फोर्स आउट टू ऑफ ऑफिस को भारी कर दिया गया है दो में ठीक है जॉब रॉबर्ट मुगावे अभी चल रहा है अभी अब ये ये बहुत सालों से राज कर रहा है बहुत पुराने राष्ट्रपति जी हैं ठीक है ना द एग्जाम्पल ऑफ जिम बाबे सोज दैट द पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर इज नेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी ठीक है ना ये बताता है कि पॉपुलर अप्रूवल सोज दॉपुलर अप्रूवल रूलर इज नेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी नेसेसरी है देखो ठीक है पॉपुलर अप्रूवल भाई लोकप्रिय नेता होना जरूरी है पर यही नेसेसरी नहीं है ठीक है ना यही सफिशियंट नहीं है कि इसी से काम चले जाएगा ठीक है ना कई बार आपने सबसे लोकप्रिय नेता इस समय सबसे लोकप्रिय पर लोकप्रियता है के दम पे उनको हर बार मौका नहीं देना चाहिए उनको चेक करना चाहिए उनकी जांच होनी चाहिए कि भाई आपने काम किस आपको उनको इवेल्युएट करे जनता कि भाई आपने काम क्या प्रॉमिस किया था आपने वो प्रॉमिस किया नहीं किया हमारे क्या पहले जीडीपी क्या थी अब क्या हुई है हमारी क्या पहले प्रोग्रेस थी अब क्या हुई है एजुकेशन में क्या हुआ हेल्थ में क्या हुआ सोशल सेक्टर्स में क्या हुआ ठीक है और क्या क्या आपने करा एजुकेशन रिसर्च एनालाइज क्या क्या कंप्लीट हुआ ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हुआ टेलीकोम्युनिकेशन में क्या हुआ ये सब चीजें बात होनी चाहिए पॉलिसीज बातें होनी चाहिए ठीक है और फैक्ट बात होनी चाहिए ऐसे नहीं कि हवा हुआ बात ये चीजें बात होनी चाहिए तभी डेमोक्रेसी है ठीक है ना गवर्नमेंट को आप क्रिटिकली एनालाइज करना चाहिए आपको क्रिटिसाइज करना चाहिए गवर्नमेंट को द एग्जाम्पल ऑफ ठीक है पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक लोकप्रिय सरकारें भी आलोकतांत्रिक लो, लो, हो सकती है है ना सरकार को क्रिटिसाइज करने का आपका हक है ठीक है ना आप सरकार से सहमत नहीं है तो उसका मतलब यह नहीं है कि आप सरकार के खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकते यू अरे सरकार ने आपको राइट नहीं दिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया प्रोवाइड यू द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गवर्नमेंट ने आपको कुछ नहीं राइट नहीं दी सरकार के देव द्वारा यह संविधान ने दे रखे हैं आपको आपके जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने हमको ये चीज दे रखी है और हमको इसको एक्सरसाइज करना चाहिए जब हमें लगा कि गलत हुआ है मेरे साथ करिए आप प्रोटेस्ट पर देर प्रोटेस्ट शुड बी पीसफुल ठीक है ना पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए आपका ठीक है ना प्रोटेस्ट की कोई मनाई नहीं हमारे देश में हमारा फंडामेंटल प्रोटेस्ट राइट टू प्रोटेस्ट इफ यू विश ठीक है ना पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी भी पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक भाई लोकप्रिय नेता भी वो हो सकते हैं ताना साहब ये भी मत सोचिए ठीक है न कि लोकप्रिय नेता ही सब कुछ चलेगा नहीं लोकप्रिय नेता भी तानाशा होते हैं इफ यू विश टू एक्सेस इफ़ यू विश टू एक्सेस अ डेमोक्रेसी इट इज़ इंपॉर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शंस अगर हमें हमें ये भी अगर हमने हमेशा अपने देश में लोकतंत्र चाहते हैं तो हमें इलेक्शन के प्रोसेस को भी देखना चाहिए किस तरीके से इलेक्शन हो रहा है ठीक है इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होना जरूरी है है ना आप पॉलिटिक्स से आप पॉलिटिक्स आपका खाना पीना रहना हॉस्पिटल में आप हाँ, आपका ना, किस तरीके से आप एजुकेशन आप नौकरी करोगे सब डिसाइड कर रही है नहीं होना चाहिए आपको इंटरेस्ट होना चाहिए पार्टिसिपेट मत करो पर आप पॉलिटिक्स का ज्ञान रखो कि वो होता क्या है किसको कैसे वोट करना है ठीक है ना ठीक है ना बट इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शन इलेक्शन से पहले भी सरकार को जांचे और इलेक्शन के बाद भी सरकार को जांचे आप ठीक है ना ये सब जरूरी है द देयर शुड बी सफिशियंट रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी ठीक है ना नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी करने के लिए ठीक है ना सामान्य राजनीतिक गतिविधियां करने के लिए जब जगह होने चाहिए ऐसा नहीं आप किसी को रैली करने नहीं दे रहे आप किसी को ऐ कोई सर्कमस्टांस जैसे अभी कोरोना का चीन है अभी तो आप चलो मान मना कर यार रैली मत कीजिए पर ऐसे नहीं आप बिल्कुल ही आप बिल्कुल आप बोले जी, हमारे तो विरोध नहीं करना आपने ना कोई प्रदर्शन करना है ना कोई वो करना है दंगा मत कीजिए पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकता कोई भी ठीक है ना देस वी सफिशियंट ये हो गया इन पीरियड बिफोर इलेक्शन दिस रिक्वायर दैट द स्टेट सुड रेस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन क्या करे स्टेट क्या करे ठीक है ना ठीक है स्टेट क्या करे क्या करे दिस रिक्वायर स्टेट टू स्टेट शुड रेस्पेक्ट सम बेसिक राइट ऑफ सिटीजन जो रा जो नागरिक के एक मूलभूत अधिकार हैं बेसिक राइट्स हैं उसकी रक्षा करे उसकी उसकी रेस्पेक्ट करे उसे ठीक है ना स्टेट का भी स्टेट शुड नॉट कंटेन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आप ऐसी बातें मत बोलो कि जो सर द्वेष करे बाकी आपको बोलने की आज़ादी है आपको लिखने की आज़ादी है ठीक है ना स्टेट कोई हमें डिक्टेट नहीं कर सकता कि भाई मैं क्या लिखूं फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन ठीक है ना फ्रीडम टू मूवमेंट इस समय कोई एक्स्ट्रा सिचुएशन है बाकी आपको फ्रीडम मूवमेंट होती है देश वुड बी फ्री फ्री टू थिंक ठीक है देश हम हमें सोच नहीं किया जाती हो ओपिनियन हमारा ओपिनियन बना सकते हैं हम सरकार के खिलाफ भी ओपिनियन बना सकते हैं सरकार के फेवर में भी ओपिनियन बना सकते हैं ठीक है ना टू एक्सप्रेस द रिपब्लिक टू फॉर्म एसोसिएशन हम संगठन बना सकते हैं पीस ठीक है ना टू प्रोटेस्ट एंड टेक अदर पॉलिटिकल एक्शन कुछ भी कर सकते हैं ठीक है ना ये देखिए सरकार की किताब में लिखा है एनसीआर टी गवर्नमेंट बुक ये देखिए सब लिखा गया कि आप एसोसिएशन बनाइए आप पीसफुल एसोसिएशन बनाइए आप आ, प्रोटेस्ट कीजिए आप पॉलिटिकल एक्शन कीजिए एजेंडा करिए धंगा धरना दिए प्रदर्शन कीजिए सब कर सकते हो एव वन शुड बी इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ भाई कानून की नज़र में सब बराबर होने चाहिए अधिकारी कर्मचारी नेता सब बराबर होने चाहिए सबके लिए लॉ होना चाहिए दीज राइट मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाई इंडिपेंडेंट बॉडी या इंस्टीट्यूशन इस राइट को प्रोटेक्ट जैसे कि मैं आपको बताऊं, हमारे देश में बहुत सारे जैसे कि हमारा सिस्टम क्या है हमारे पास जुडिशरी है जुडिशरी है ठीक है ना फिर हमारे पास क्या होता है ह्यूमन rights कमीशन होते हैं अचार human ह्यूमन राइट ठीक है ना फिर हमारे पास एक एस सी के लिए राइट्स कमीशन होते हैं ठीक है ना ये सब प्रोटेक्शन के लिए बने होते हैं फिर और क्या क्या होते हैं बच्चों के राइट्स के लिए होते हैं चाइल्ड चाइल्ड राइट्स वाले होते हैं हमारे पास ना बाल संरक्षण आयोग जिसे बोलते हैं ठीक है ना चाइल्ड प्रोटेक्शन चाइल्ड चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन होता है फिर वुमन प्रोटेक्शन कमीशन होता है हर किसी के लिए हमने इतने सारे कमीशन बैठा रखे हैं ठीक है ना ये सब हमारे काम करते हैं ये सब हमारा क्या करते हैं ये हमारे इंस्टीट्यूशन होते हैं इनको इनको भी बहुत जरूरी है दूसरा ये एक और चीज क्या आ रही है देखो कि अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू वट एवर इट सिंपली लाइक सिंपली बिकॉज इट हैज द इलेक्शन भाई लोकतंत्र सरकार ने सब उसको सरकार ने चुनाव जीते इसका मतलब ये नहीं कुछ भी कर सकती है सरकार के काम करने का भी एक दायरा है जिस दायरे में सरकार को काम करना पड़ता है चेक एंड बैलेंस होता है चेक एंड बैलेंस का मतलब होता है सरकार से पूछगाछ होती है भाई कि आपने कहा लगाया पैसा किस तरफ गया कहाँ खर्च करा आपने कहाँ पैसे पैसे का वेस्टेज करा इसके लिए हमारे पास इंस्टीट्यूशन है जैसे कि सी ए है कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वो ये पूछता है संसद पूछती है संसद भी चेक एंड बैलेंस करती है सरकार से सवाल पूछे जाते हैं आपको लगता है संसद में क्या बहस कर रही क्यों कर रही है दंगा प्रदर्शन भाई सवाल जवाब होना चाहिए कई बार ज्यादा हो जाता है पर होना चाहिए बहसें होनी चाहिए डिबेट्स होती है लोकसभा राज्यसभा बहुत अच्छी अच्छी डिबेट्स होती है सरकार से पूछा जाता है भाई आप क्या कर रहे हैं क्या एक्शन ले रहे हैं ठीक है इससे सरकार पर प्रेशर किया जाता दबाव बनाया जाता है सरकार ताकि सही डिसीजन ले सके इन पर्टिकुलर इट हैज टू बी रेस्पेक्ट सम गारंटिस्ट सम रेस्पेक्ट सम गारंटी टू द माइनॉरिटीज जो हमारे देश में माइनॉरिटीज हैं माइनॉरिटी ठीक है minority, ना सब तरीके से लैंग्वेज रिलीजन वाले माइनॉरिटी सबको उनकी उनकी रक्षा करनी चाहिए उनके रेस्पेक्ट करना चाहिए उनको सबड्यूज नहीं करना चाहिए उनको दबाना नहीं चाहिए एवरी मेजर डिसीजन हैज बी गो थ्रू सीरीज ऑफ कंसल्टेशन जो भी आप मेजर डिसीजन ले रहे हो आपको कंसल्टेशन करनी जरूरी है लोकतंत्र में तो बिना कंसल्टेशन कोई काम होना नहीं चाहिए ठीक है ना कर्मचारी के पास क्या होते हैं अधिकार होते हैं और कर्तव्य भी होते हैं अधिकारों के साथ कर्तव्य भी होते हैं जो से, सरक, जो से कानून और संविधान ने दे रखे हैं भारत के संविधान और भारत के कानून ने दिए हैं इच ऑफ दिस इज अकाउंटेबल एंड नॉट ओनली टू द पीपल बट आउसो दफिशियल ये सब अकाउंटेबल है ऑल ऑल ऑफिसर ठीक है ना सर्वेंट जितने भी सरकार के कर्मचारी हैं अधिकारी हैं नेता हैं दे ऑल आर अकाउंटेबल टू द पीपल ऑफ इंडिया भारत के नागरिकों के प्रति अकाउंटेबल है, है और हमारे किसके इंडिपेंडेंट ऑफिशियल ऑफिशियल हमारे अधिकारी होते हैं हमारे वो होते हैं हमारे ऑडिट करने वाली अथॉरिटीज होती है जैसे मैंने बताया सीएजी होता है ए तो इसी तरीके से बहुत सारी अथॉरिटी होती है काम करती है जो ऑडिट करती है ठीक है ना तो आ गया हमारा चौथा फीचर्स कि अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन द सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सिटीजन राइट्स ठीक है ना संविधानिक जो सिटीज़न राइट्स और जो संविधानिक जो कानून है उनके अंदर उसके दायरे में काम करती है एक दायरा होता है इसी दायरे में सरकार काम करती है अगर सरकार कर रही है ना गवर्नमेंट तो इसी दायरे में करना पड़ेगा उसे ये नहीं कि सरकार इससे बाहर जाके हर सरकार का अपना दायरा है उस दायरे के अंदर ही काम करना पड़ेगा ठीक है ना उस दायरे से बाहर नहीं जाएगी सरकार हो गया चाहे जुडिशरी हो कोई भी हो ठीक है ना सबको सब दे रखा अब डेमोक्रेसी की हमारे क्या क्या, -क्या फीचर्स पता लग गया हमें डेमोक्रेसी का हमें पता लग गया कि सबसे पहला कि रूलर इलेक्टेड बाय द पीपल टेक द मेजर डिसीजन दूसरा इलेक्शन टू ऑफर अ चॉइस ऑफ फ्री एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू तो द पीपल तीसरा टीज अवेलेबल टू ऑल ऑन इक्वल बेसिस वही वन वोट वन पर्सन वन वोट द साइज ऑफ द चॉइस लीड्स टू द गवर्नमेंट लिमिटेड बाई बेसिक रूल्स एंड ये ये चौथा वाला ठीक है ना ये चार चीजें हमारी इंपॉर्टेंट है ये इससे हमारा खत्म हो गया कि वट इज डेमोक्रेसी ये चार फीचर्स भी होने चाहिए डेमोक्रेसी के ठीक है ना अब दूसरी चीज अब जो इस, इस चैप्टर में हो, वो होती है वाई डेमोक्रेसी अबे डेमोक्रेसी तो चलो समझ में आ गया हमें चलो ठीक है ना अब आ गया हमें भाई लोकतंत्र तो चलो ठीक है भाई लोकतंत्र ही क्यों ठीक है कि लोकतंत्र ही क्यों बढ़िया है कोई और भी तो तरीका हो सकता है तो इसमें क्या होता है इसमें सबसे पहले क्या है इसमें वही देखिए हर चीज़ को आप इसलिए पसंद मत कीजिए कि लोग वो लोकप्रिय है आपके पास आप लोग एजुकेटेड बच्चे हैं आपके पास लॉजिक है आपने पढ़ाई लिखाई की आपके पास नॉलेज नौ, है तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए डिस्कस कीजिए बहस मत कीजिए डिस्कस कीजिए किसी चीज़ को ठीक है ना कि भाई क्यों ये कोई चीज़ आपको लोग बिना लॉजिक बिना रीजनिंग के आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट मत कीजिए ठीक है ना कि लोकप्रिय है मतलब सब चल रहे हैं भेड़ चाल में जरूर थोड़ी वो सही हो रास्ता ठीक है कई बार ऐसे भी होता है कि जहां सब जा रहे हैं वो गलत रास्ता ही हो आप अपना दिमाग लगाओ सही रास्ते पे चलो ठीक है तो ये देखो बहस हो रही है ये क्या हो रहा है ये बातचीत चल रही है फिर वही जो पहले वाली पहले चैप्टर में डिस्कशन ये देखिए फिर यहां डिस्कशन हो रहा है टीचर और स्टूडेंट के बीच में ये क्या डिस्कशन है थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि एक ये बोल रही कि, ए, कि एक पहले स्टूडेंट कह रहा है कि वी लिव इन डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड वन डेमोक्रेसी कंट्रीज दैट वर नॉट डेमोक्रेटिक ये बोल रहे कि हम लोकतंत्र में रहते हैं सब लोकतंत्र चाहते हैं तो इसमें बहस करने की जरूरत है लोकतंत्र ही सबसे बढ़िया है इसमें वो करने की जरूरत नहीं है पर एक लड़की बोलती है कि मैडम शुड वी नॉट एक्सेप्ट समथिंग जस्ट बिकॉज इट इज फेमस कि हम क्यों असेप्ट करें किसी चीज को अच्छे लोकतंत्र ही क्यों चाहिए हमें कोई और भी तो चीजें होता है फेमस है इसका मतलब हम सब एक्सेप्ट कर लें भाई कोई कारण तो होना चाहिए तो इसमें जैनी बोलती है कि ये भी तो हो सकता है कि सब रॉन्ग पाथ में जा रहे हो हाँ साथ ये भी हो सकता है तो ये बोलता है अब एक लड़का बोलता है वो बोलता है कि मैम कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी ने हमें दिया क्या है आज तक जैसा आपने कई बार सुना होगा आपसे बड़े या किसी ने आपके आस पड़ोस में सुना होगा हो सकता है आपने सुना हो सकता है नहीं सुना पर मेरे से सुनिए आप कि लोग बोलते हैं कि भाई लोकतंत्र ने भारत को दिया क्या है सत्तर सालों में हम गरीबी दूर नहीं कर पाए सत्तर सालों में हम ये नहीं कर पाए हम विकास नहीं कर पाए ये नहीं कर पाए बहुत सारी समस्याएं हैं ठीक है हमारे देश में है सब देशों में होती है समस्याएं ठीक है ना लोकतंत्र के साथ है पर लोकतंत्र है इसलिए हम गरीब नहीं है ठीक है ना लोकतंत्र है इसलिए गरीब नहीं है क्योंकि लोकतंत्र नहीं होता तो हम तो बिल्कुल अमेरिका बन जाते ये तो गलत है ठीक है ना ये अगर ऐसा होता तो ऐसा होता ताना तो तानाशाह तो सबसे ज्यादा अमीर देश होते ठीक है ना तानाशाह ही वो होते तो दूसरा एक एक लड़का और बात करता है कि भाई कि लोकतंत्र डेमोक्रेसी क्या है डेमोक्रेसी तो बहुत चाउस है मतलब हर समय पंगा होता रहता है कोई इधर से कुछ बोल रहा है इधर से अपोजिशन आ कभी धरना प्रदर्शन ये वो चल रहा है देश में आपको भी लगता होगा कि भाई बहुत इनस्टेबिलिटी है पॉलिटिशियन आपस में लड़ते रहते हैं ठीक है ना तो सो so वट तो बात होती है कि हमें क्या करना चाहिए क्या एक लड़की बोलती है क्या फिर हम चले जाए पीछे की तरफ हम ब्रिटिश रूल में चले जाए अंग्रेजों के रूल में जहां आपको कोई मौका ना दे जलिया वाला बाग ट्रेजरी करते दे गोली ठीक है ना फिर या फिर हम के राजाओं के टाइम पे चले जाए कि राजा आपके कोई अधिकारों के, के बात ही नहीं बात करता है ठीक है ना तो ये ठीक है ना तो ये कई बार हम ये भी बोलते हैं कि भाई हमें स्ट्रांग लीडर की जरूरत है स्ट्रांग लीडर की जरूरत है ठीक है ना कि स्ट्रांग लीडर की जरूरत है ना कि जो एक बार में सब कुछ कोई इलेक्शन करने की जरूरत ना सब कुछ ठीक कर डाले वो बाबू देखो इलेक्शन बहुत जरूरी है डैम आपको पता है पॉपुलर लीडर भी अनडेमोक्रेटिक हो सकता है ठीक है ना करप्ट भी हो सकता है पॉपुलर लीडर ना प्रॉब्लम लीटर करप्ट भी हो सकता है तो ये आप हमारे ये चीजें है ना वो डिक्टेटर भी बन जाएगा किसी दिन ठीक है ना तो ये बहस चल रही तो मैडम भी आते बीच में बोलती मैडम बोलती कि मैं आपको सही गलत नहीं बताऊंगी पर आप किसी चीज को बहस कर करें तो अच्छी बात है ठीक है ना तो ये अब हम इसके आगे ये वीडियो होगी काफी लंबी तो इसके आगे हम कल पढ़ेंगे मैं इसका तीसरा पार्ट बनाऊंगा तीसरे पार्ट में इसको आपको आगे समझाऊंगी कि वाई डेमोक्रेसी व्हाट इज डेमोक्रेसी हम पढ़ चुके हैं तो वाई डेमोक्रेसी के बारे में बात करेंगे तो गाइज थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग होप आप लोगों को पसंद आया होगा थैंक यू